क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है लेकिन सिविल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अक्सर दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप आसानी के साथ उससे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और लोन मिलने पे होता क्या है कभी कभी पैसा नहीं होने की वजह से होता क्या है कि हम लोन को वहाँ पे चुकता नहीं कर पाते, यानी कि लोन को हम नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है काफी दिन लेट हो जाने की वजह से होता क्या है कि हमारा सिविल पे बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारा जो सिविल स्कोर जो होता है पूरा डाउन चला जाता है, यानी कि रेड जोन में चला जाता है, जिसकी वजह से ना ही हमको बजाज फिनसर्व कार्ड बनेगा, फिर से कोई भी चीज हम फाइनेंस भी नहीं करा सकते हैं किसी दूसरे एप्लीकेशन या फिर से किसी दूसरे वेबसाइट की मदद से। तो क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करें? बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस को बना रहा हूं और बताता हूं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मेरा जो क्रेडिट कार्ड स्कोर है जो बहुत ही ज्यादा लो है, इस रीजन में हमें क्रेडिट कार्ड स्कोर को कैसे हमको हाई करना है और कैसे बढ़ाना है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं क्रेडिट कार्ड स्कोर कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीका में। बस थोड़ा मोड़ा आपको पैसा चाहिए, पैसा क्या है आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, बस आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और पैसा आपका सेव भी रहेगा। और क्रेडिट कार्ड का अगर स्कोर आपको नहीं जानते हैं कि कैसे पता करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा, स्कोर साथ में ही आपको कैसे उसको इंप्रूवमेंट करना है। अगर 400 से 450 या 500 तक क्रेडिट कार्ड स्कोर है और आप चाहते हो 750 तक करने के लिए, 700 से अबव करने के लिए, तो कैसे करना है तो लास्ट तक बना रहिए इस वीडियो के ऊपर। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ओपन करना है। साथ में ही जिस भी आपने फोन नंबर के साथ आपने अपने अकाउंट में या फिर से किसी भी एप्लीकेशन की मदद से आपने कोई भी लोन को लिया है और अभी तक नहीं चुकाया है, तो सिंपली दोस्तों करना क्या है उसी नंबर से, या फिर से अगर नया अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हो तो गूगल पे क्लिक करोगे या फिर से साइन इन विद मोबाइल नंबर, यानी कि इस पे क्लिक करके मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट आप साइन इन कर सकते हो। तो सिंपली जिस भी नंबर से आप लिए हो उस नंबर को यहाँ पे डालना है और डालने के बाद सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा देर वेट करेंगे उस नंबर पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो आईडी है वेरीफाई हो जाएगा। और फ्रेंड बहुत ही सिंपल वे में एक क्लिक में आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रेडिट स्कोर जो है आपका सिविल स्कोर जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 628 पे देख सकते हो ऑरेंज टैब, यू आर एलिजिबल फॉर एक्सक्लूसिव कार्ड लोन इंश्योरेंस ऑफर, कुछ ऑफर मिलेगा अगर पूरा रेड जोन पे हो जैसे 450 पे, तो कैसे यहाँ पे ग्रीन वाले में ऑप्शन में आना है जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है और आसानी के साथ बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो कि इजीली आपको अप्रूवल देता है, इसका मतलब कि आपका सिविल सही है। अब देखिए ये तो प्रॉब्लम आपका दूर हो गया। अब सबसे पहला चीज करना क्या है आपको कि इसके ऊपर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है क्रॉस कर देना है। और देखिए यहाँ पे हमारा सिविल जो अभी लो दिखा रहा है 300 पे जाएगा तो लो हो जाएगा, इस पे भी लो ही है और साथ में यहाँ पे दिखा रहा है 900 के करीब करीब जाएगा, 700-800 के करीब जाएगा तो यहाँ पे हाई हो जाएगा। लेकिन दो सबसे जो मेरा बुरा इफेक्ट पड़ा हुआ है, टू ऑफ योर अकाउंट्स आर नेगेटिवली इंपैक्टिंग योर क्रेडिट कार्ड स्कोर, दो मेरा जो ऐसा अकाउंट है जिसपे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है, हो सकता है कि आपका भी इस तरीके से शो करना स्टार्ट कर देगा। नीचे में आ गए दोस्तों तो कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन जाएगा, जिस भी एप्लीकेशन का या फिर से जिसके भी थ्रू लोन लिए होंगे, जो पर्सनल लोन जो मिलता है 1000, 2000, 1500 या 2500 या 6000 तक, अगर नहीं चुकाए होंगे तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन रिसेंटली दोस्तों मैं इसका पेमेंट डन कर दिया हूँ, यानी कि सारा चीज क्लियर कर दिया हूँ, तो 2 महीने के बाद ये अपडेट होगा, 2 से 3 महीने लग गया था अपडेट होने में। और जैसे दोस्तों अपडेट होगा तो यहाँ पे नीचे में आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपीरिया के ऊपर क्लिक करेगा तो जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आपने कितना क्रेडिट आपने ले रखा है या फिर से कितना आपने लोन कितना आपका चल रहा है आपके अकाउंट के ऊपर, फोन नंबर के ऊपर, टोटल अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा सारा चीज यहाँ पे दिखा देगा। एक तो टीवीएस का चल रहा है, साथ में आईडीएफसी का है जो कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक्टिव दिखा देगा, लेकिन अमाउंट रिमेनिंग जो है कितना दिखा देगा लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, इसका भी मैं फिलअप कर चुका हूँ। स्नैपमिट का है, इसका बाकी है, ये लोन चल रहा है, स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। साथ में ही जो भी आपने लोन लिया होगा अगर उसका पेमेंट कर दिया हो तो यहाँ पे स्टेटस क्लोज दिखा देगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा अमाउंट रिमेनिंग जो 00 दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ ये भी सारा चीज है, ये भी हमारा लोन क्लोज हो चुका है, साथ में ये भी देख सकते हो लोन क्लोज हो चुका है। अब फ्रेंड साथ में होगा क्या कि ऑफर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो पर्सनलाइज्ड ऑफर जो है यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया कि लेस देन परफेक्ट क्रेडिट कार्ड स्कोर गेट सेटअप एंड क्रेडिट कार्ड बैक्ड बाय एफडी, यानी कि अगर आपके पास 8 से 10 हजार रुपया है, 12 हजार है तो आसानी के साथ एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो वो भी फ्री में। अब मैं वो चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको आना है और आने के बाद क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना जब भी, तो जो भी आपके रिलेटेड क्रेडिट कार्ड होगा वो दिखाना स्टार्ट कर देगा जिससे कि आप आसानी के साथ अपने सिविल को बढ़ा सकते हो। साथ में अगर जैसे इस पे क्लिक करोगे तो मिनिमम जो फिक्स डिपॉजिट है 5000 का है, 5000 का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो तो एक आपका सेव हो जाएगा, साथ में ही आपका जो 5000 का क्रेडिट कार्ड होता है लगभग 4000 का क्रेडिट कार्ड आपके मैनुअली आपके घर के पते पे बन के आ जाएगा जो कि फर्स्ट ईयर फीस जो है
₹500 लगेगा क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, जिसका पैसा बाजार सेटअप कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। साथ में नीचे होगा तो चूज योर एफडी प्लान जो है 5000 का है, 12000 का, 24000 का, 60000 का है। अब दोस्तों होगा क्या कि ये चीज अगर आप अप्लाई कर लेते हो 12000 वाले पे या फिर से 24000 वाले पे तो सिंपली होगा क्या कि आपको करना क्या है कि बार बार कोई भी चीज को अगर परचेजिंग कर रहे हो तो इस क्रेडिट कार्ड से आपको परचेजिंग करना है, और साथ में ही आपका जो इसका पेमेंट है दोस्तों टाइमली करना है इस क्रेडिट कार्ड का, ताकि जो आपका स्कोर है कम से कम 3 महीना आपको कंटिन्यू इस क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। जो आपका यहाँ पे इसका सिविल स्कोर होगा ऑटोमेटिक दोस्तों चांस ऑफ अप्रूवल एक्सीलेंट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पूरा ग्रीन चला जाएगा। अब दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी है इस पे क्लिक करेंगे। अब इस यहाँ पे चेक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन कुछ आ जाएगा बन के। अब देखिए आपका यहाँ पे नाम, आपका मेल आई डी, आपका डेट ऑफ बर्थ, साथ में दोस्तों आपका यहाँ पे पेन नंबर और फोन नंबर दिखाना स्टार्ट कर देगा। देखिए 4 स्टेप है, एक तो है KYC चेक, दूसरा है FD सिलेक्शन, तीसरा है पेमेंट। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, कुछ पैसा आपके पास आया तो 110% है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ में तो एक तो आपका एक अमाउंट भी सेव हो जाएगा, दूसरा नंबर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तीसरा अब इसका फायदा है कि आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा, जिससे कि आप बजाज फिनसर्व हो या फिर से होम लोन हो या फिर से आपका HDFC का, ICICI का क्रेडिट कार्ड आसानी के साथ अप्रूवल ले सकते हो। इस पर क्या करना है, टिकआउट करना है, और टिकआउट करने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से बोलेगा आपको प्लीज़ वेट, यानी कुछ समय आपको वेट करना है। साथ में यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ आपको KYC आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही यहाँ पे सिक्योरिटी पूछेगा, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंटर शेयर कोड, इस पे आ जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी को डालना है अपना, और डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे के ऊपर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद सेंड OTP के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ऑफ फ्रेंड क्या होगा कि यहाँ पे OTP आएगा, OTP को सिर्फ वेरीफाई जब करेंगे तो सिंपली दोस्तों होगा क्या कि KYC आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सिर्फ FD सिलेक्शन के अंदर आ जाओगे। मुझे एक्चुअली यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, और मेरा OTP भी नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपका OTP आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, ठीक है, काफ़ी देर मैंने इंतजार किया। तो FD सिलेक्शन में आओगे तो आपको सिंपली FD क्या करना है, चूज करना है। अब FD क्या चूज करना है उसी में पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ। देख सकते हो FD में क्या है आपका प्लान, 5000 का है, 12000 का, 24000 का और 60000 का। कोई भी FD अगर चूज करते हो तो सिंपली उसके साथ में ही जैसे उसके पास पेमेंट के ऊपर जाओगे तो प्लस ऐड करके आपका 500 रुपीज़ यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा पेमेंट के लिए, और पेमेंट जैसे कंप्लीट करते हो तो आपका FD यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जितना का भी आप करना चाहते हो। उसके साथ साथ आपका पैसा बाजार का यहाँ पे जो सेटअप कार्ड है ये भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपके पते के ऊपर आपका जो पैसा बाजार का यहाँ पे सेटअप कार्ड है दोस्तों आ जाएगा, और आसानी के साथ आने के बाद उसको आप यूज कर सकते हो, और यूज करना है आपको कंटिन्यू 3 मंथ, और इजिली क्या होगा आपका जो सिविल स्कोर है ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी के साथ, अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर लो है तो आसानी के साथ बढ़ा सकते हो, बहुत ही कमाल का है। भले आपका कितना भी लोन चल रहा है, अलग का बात है, लोन चल भी रहा है तो उसको पैसा आप ना जमा करके आप ये ट्रिक अगर आजमाते हो तो 110% है आपका तो एक FD हो जाएगा, सेकंड में आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा, तीसरा नंबर आपको एक उतने का ही क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बनके मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इजी प्रोसेस है, इसको आप एक बार यूज जरूर कीजिए। आई होप अगर आपको वीडियो चला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।